दोस्तों, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि एकता में शक्ति होती है और ये बात सच भी है। चाहे हम इंसानों की बात करें या जानवरों की, एकजुट होकर किसी भी काम को करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, अब हम इंसानों की लड़ाई के बारे में तो बात नहीं कर सकते, पर जानवर भी एकजुट होकर अपने इलाकों और परिवार के लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे गैंगवार की जिसकी फाइट देखकर आपको मजा आने वाला है। पर उससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। लायन प्राइड। दोस्तों, वैसे तो मेल लायन बहुत कम ही शिकार करता है, पर मेल लायन अपने प्राइड की हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से करता है। फीमेल लायन का झुंड शिकार को घेर कर उस पर हमला करता है। इनका झुंड काफी मजबूत होता है। फीमेल लायन किसी एक शिकार का चयन करती है, फिर फीमेल लायन उसे दौड़ाती है और बाकी फीमेल लायन वहीं छुपी रहती हैं। और शिकार के नजदीक आते ही उस पर हमला कर दिया जाता है। और जब शिकार बड़ा होता है, जैसे हाथी, जिराफ या भैंसा, तो मेल लायन भी इनके साथ खड़ा हो जाता है। अब इतने ताकतवर झुंड से शिकार का बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाइना। दोस्तों, हाइना का गैंग लगभग सभी जानवरों में से सबसे खतरनाक गैंग माना जाता है। इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि जब किसी शिकार को पकड़ते हैं तो उन्हें तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो थक के चूर ना हो जाए। फिर इनका झुंड एक साथ हमला कर देता है और ये अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हाइना का पाचन तंत्र काफी मजबूत होता है। इसके पेट में ऐसा अम्ल होता है जो सड़े गले मांस और हड्डियों को भी पचा जाता है। दोस्तों, हाइना जब अपने झुंड में होते हैं तो ये शेरों से भी उलझने में पीछे नहीं हटते, और कई बार तो इन्होंने शेरों की जान भी ले ली है। वाइल्ड डॉग्स। दोस्तों, जंगली कुत्ते एक गैंग की तरह काम करते हैं। वैसे तो दुनिया में कुत्तों की काफी सारी प्रजातियां हैं, पर जंगली कुत्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये अपनी गैंग में उम्र के हिसाब से काम करते हैं। सबसे बड़ी उम्र का डॉग्स खाना लाता है और बीच के उम्र के कुत्ते छोटे बच्चों की देखरेख करते हैं। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनके गैंग में लगभग 25 से 30 डॉग्स होते हैं। इनसे अकेले उलझना ना तो शेर की बस की बात है और ना ही एक हाइना की। ये झुंड बनाकर अपने शिकार का पीछा करते हैं, फिर आगे चलकर ये कई टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं और अपने शिकार को काफी दूर तक दौड़ाकर थकाते हैं, फिर एकजुट होकर उसकी जान ले लेते हैं। दोस्तों, मजा तो तब आता है जब एक हाइना और वाइल्ड डॉग्स का गैंग आमने सामने होता है। जैसे लगता है कि किसी फिल्म में गैंगवार की शूटिंग चल रही हो। वोल्फ पैक्स। भेड़ियों का झुंड। दोस्तों, भेड़ियों का शिकार करने का तरीका सेम जंगली कुत्तों की तरह होता है। भेड़िया भी अपने शिकार का बारी बारी पीछा करते हैं और तब तक दौड़ाते हैं जब तक कि इनका शिकार हार नहीं मान लेता। पर दोस्तों, भेड़ियों का बाइट फोर्स इनसे काफी ज्यादा होता है। एक ग्रे वोल्फ का बाइट फोर्स लगभग 1500 PSI तक हो सकता है। इनके झुंड में लगभग 20 से अधिक सदस्य होते हैं, जिनमें इनका एक मुखिया भी होता है जो हर काम का डिसीजन लेता है। इनके झुंड में इतनी ताकत होती है कि ये बड़े से बड़े बाइसन को भी मार गिराते हैं। रेड एंट कॉलोनी। दोस्तों, बड़े बड़े मांसाहारी जानवरों का झुंड एक साथ किसी को भी मार सकता है, पर रेड एंट लाल चींटियों का झुंड इन बड़े बड़े मांसाहारी जानवरों पर भी भारी पड़ जाता है। हालांकि लाल चींटियां रेगिस्तान और वर्षावन के जंगलों में वास करती हैं, पर ये बड़े से बड़े जानवरों को भी पल भर में चट कर जाती हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है, जिनमें एक रानी भी होती है जो अपने राज्य की कमान संभालती है। दोस्तों, रेड एंट चींटियों पर काफी सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। इनके आगे के दो पावरफुल टूथ होते हैं जो किसी जानवर की हड्डियां तक काट सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक चीता को उसकी तेज गति से पहचाना जाता है, पर क्या जब चीतों का झुंड किसी शिकार पर हमला करेगा तो क्या वो बच पाएगा? कभी नहीं। चीता की स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जिससे उसके शिकार का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। और अगर कहीं शिकार बच भी जाता है तो उसके और उसके साथियों से कब तक भागेगा? दोस्तों, एक व्यस्त चीता मात्र 3 सेकंड में 103 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर 460 मीटर की दूरी तय कर लेता है। दोस्तों, एक अच्छी स्पोर्ट्स कार भी इतनी दूरी 6 सेकंड में तय करती है। पिराना गिरोह, पिराना सॉल। दोस्तों, खतरनाक गैंग सिर्फ जमीन पर ही नहीं पाए जाते, पानी के अंदर भी ऐसे गिरोह होते हैं, जिनमें से एक गैंग पिराना के नाम जाता है। दोस्तों, आपने काफी सारी मूवीज देखी होंगी जिनमें पिराना को खतरनाक रूप में दिखाया गया है, और ये सच भी है। पिराना मछली पानी की वो गैंग है जो किसी भी जीव या इंसान को पा जाए तो उसे पल भर में चट कर जाएगी। दोस्तों, इनके मुंह में नुकीले और खतरनाक दांत होते हैं जो कि इंसान की उंगली को 1 सेकंड में अलग कर दें। अब जरा सोचिए कि अगर पिराना का झुंड किसी पर हमला करता है तो उसका क्या होता होगा? पैक ऑफ टाइगर्स। टाइगर्स का झुंड। दोस्तों, टाइगर वैसे तो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, पर कई बार इन्हें झुंड में देखा गया है। दोस्तों, एक व्यस्त टाइगर ही अकेले किसी भी बड़े से बड़े जानवर को मार गिराने के लिए काफी है।
अब सोचिए जब किसी शिकार का पाला टाइगर के गैंग से पड़ेगा तो उसका क्या होता होगा। टाइगर के 78 मिलीमीटर K9 टूथ बेहद ही नुकीले और खतरनाक होते हैं। दोस्तों एक शेर के शिकार करने का तरीका और टाइगर के शिकार करने के तरीके में फर्क होता है। टाइगर घात लगाकर हमला करता है। दोस्तों मजा तो तब आता है जब लायन और टाइगर आपस में भिड़ते हैं। दोस्तों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लायन और टाइगर की फाइट के लिंक दे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों गैंगवार की बातें तो हो गई, अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसका गैंग सबसे पावरफुल है। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।